लेकिन आज इस टायर को, JCB के टायर को आज पूरी टीम मिलके भाई सब ले जाने वाली है, और बहुत ही खतरनाक, मतलब एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट होगा फिटनेस का। और जैसा कि टीम ने डिसाइड किया था मिलके टायर लेके चलेंगे, लेकिन दो तीन लोगों ने उसमें कर दिया भाई मारा। अब वो पूल करके आपस में पूरी टीम को चाय और कॉफी पिलाएंगे, और मेरा नाम है मुखिया जी। तो टायर इस साइड से ले जाएं? नहीं नहीं नहीं, टायर को ले जाना नहीं है। अरे मुखिया जी, कॉफी पिलाने के लिए बोला है, कुछ और नहीं यार। What's up YouTube family, सभी सब्सक्राइबर्स को प्यार भरा मेरा दिल से नमस्कार, स्वागत करता हूँ मेरे नए ब्लॉग में सुनहरी सुबह के साथ। एंड लगभग 6 बज गए हैं, एंड ये सामने इस्कॉन टेम्पल, हरे कृष्णा। तो आज ब्लॉग में आपको हम, मैं सबसे पहले अर्ली मॉर्निंग वर्कआउट करने आ चुके हैं, और आज ब्लॉग में बहुत ही घमासान, मतलब आपको फिटनेस लेवल दिखने वाला है। मतलब क्यों? क्योंकि आज जो है ये आप देख रहे हैं सामने, ये टायर जो कि है लगभग 40-50 किलो का है। मतलब ये टायर जो है ये लगभग 40-50 किलो का है, और इसे हमारी टीम मिलके पूरी की पूरी ले जाएगी सेक्टर 18 जो है कैफे 18। आपने पहले देखा होगा, हम रनिंग करते हुए कई बार गए हैं, लेकिन आज इस टायर को, JCB के टायर को आज पूरी टीम मिलके भाई सब ले जाने वाली है, और बहुत ही खतरनाक, मतलब एक्सट्रीम लेवल का टेस्ट होगा फिटनेस का। देखते हैं अब ले जा पाते हैं कि नहीं ले जा पाते हैं। तो बेसिकली नोएडा स्टेडियम की टीम, उनके पास भी टायर है, वो लेके अपना वहाँ पहुँचेंगे और हम यहाँ से पहुँचेंगे। सो बने रहिएगा, ब्लॉग में मज़ा आने वाला है। सो चलिए फिर ब्लॉग का शुरुआत करते हैं। लेके भोलेनाथ का नाम, हर हर महादेव। चलिए, थोड़े बहुत लोग आ गए हैं, थोड़े बहुत रुके हैं, जैसे ही आएंगे वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे अपना रनिंग करना यहाँ से टायर का। मैडम भी आ गई हैं, गुरुजी भी आ गए अपने। हाँ भाई, हाँ जी मैडम, क्या हो गया मुखिया जी? मैंने मैडम से पूछा कि आप फुल ड्रेस क्यों पहन के आ रही हैं, तो मैडम बोली ठंड हो रही है। तो मैंने कहा मैम आपको क्या ठंड लग रही है, हमें तो कम लग रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, चलो आ भाई, चलो चलो चलो। शुरुआत आपका बड़ा भाई कर रहा है, छोटे छोटे बात में खत्म कर देंगे। आज तो धुरंधर भी आ रखे हैं पिंटू भाई। हाँ, अंत तक पहुँचाने के लिए और ये हमारी कोच मैडम भी हमें सपोर्ट करते हुए कि हमारी टीम जीते। लेकिन बंदे दिखे तो बहुत सारे थे, लेकिन 1, 2, 3, 4, 5 छह ही है। चीटिंग नहीं, चीटिंग नहीं, चलो चलो, रोल नहीं करना। मैं कह रहा हूँ आगे जाके खड़े हो जाइए, रेस्ट ले रहे हैं। ओ बेटा, यही दोनों है, जो जीता वो सिकंदर। इन दोनों पे भारी जिम्मेदारी आ गई, तू आगे चले जा। मैं निठारी पहुंच गया, मेरे ख्याल से आधा हो गया है ना। भाई खड़े तो कम से कम 20 जने थे, आए हैं मुश्किल से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जने। 7 जने अकेले उठा के इसको 18 तक ले जा रहे हैं। और ऐसी एक्सट्रीम लेवल की फिटनेस अगर आपने नोएडा में किसी जिम में देखी होगी, शायद नहीं देखी होगी। इतनी एक्सट्रीम लेवल की फिटनेस नोएडा के किसी भी जिम में नहीं होती है। सो हाँ, जूस जूस, सुबह सुबह जूस लग गया, जूस तुम ही बोल रहे हो, आधा रह गया। मेरे को तो लग रहा है नोएडा स्टेडियम वाले दिख ही नहीं रहे, वो पहुंच गए भाई।
या तो बहुत ही जल्दी निकल गए हो, बहुत मुश्किल है गाइस, पूरी कलाई भर गई यार, हैं तीन चार बार में कलाई भर गई, मतलब रिस्ट जो होती है ना मसल फटीग हो गया। अभी हम जयपुर ही पहुँचे, सेक्टर 26 है ये, हाँ सेक्टर 26 ही पहुँचे, अभी रह गया यहाँ से थोड़ा सा। नोएडा स्टेडियम वाली टीम दिख नहीं रही है, शायद वो पहले निकल गई है, और ये गुरुजी की गाड़ी जाते हुए। भगते भगते हुए भी देखो मेरी नीज में दिक्कत है, मैं फिर भी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, व्लॉग बना रहा हूँ भगते भगते टायर उठाते उठाते। तो प्लीज़ यार वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर देना, एंड बेल आइकन भी प्रेस कर देना, वीडियो आते ही नोटिफिकेशन मिल जाए, प्लीज़ कर देना भाई। ये देखो हाँ, खूब पसीना बहा दिया, सुबह सुबह ठंड हो रही है, जबकि थोड़ी बहुत आधे लोगों ने जैकेट भी पहनी है। तो दोस्तों सामने सेक्टर 18 दिख रहा है, हमारी मंजिल सामने दिख रही है, मतलब 6:20 पे शुरू किया था हमने और 7 बजने में अभी 10 मिनट हैं, 40 में से 10 कम कर दो, चलो मेरे को लगता है 5 मिनट, मतलब 40 मिनट में हम सेक्टर 23 से सेक्टर 18 पहुंचने वाले हैं, 40 मिनट में, और सिर्फ 6 जने हैं उठाने वाले टायर, सारा सामान। फाइनली ये रहा आपका सेक्टर 18 मेट्रो स्टेशन, तो वहाँ जाना है अपने को कैफे 18, चलो चलो आओ शाबाश। अब लेकिन इसको टायर को कैसे पलटे उधर, भाई आपने सीधे कैफे 18 तक पहुंचाया, हार गए लेकिन उनकी टीम पहले आ गई, ये वाला टायर वापस ले आएंगे हम, तो ठीक है याला ले जाना, यार याला ले जाना, नहीं 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 हमारी टीम ले जाएगी, ये जो लाइन है वो ले जाएंगे हम। तो अब ये हो गया कि वो वाली टीम जो है वो टायर लाई नहीं है, ऐसी भक्के आ गए हैं रनिंग करने 18 तक, सो वो तो ऑलरेडी डिस्क्वालीफाई हो गई, सो हमारी टीम फाइनली विनर। ये कॉफी पिलाएंगे, ये तो चलो इसके साथ टांग में लगी हुई है, ये तीन लोग मिलके सबको पिलाएंगे, या तो टायर इस साइड से ले जाए, नहीं 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 टायर तो लगाना नहीं है। अरे मुखिया जी कॉफी पिलाने के लिए बोला है, कुछ और नहीं यार, मुखिया जी टेंशन में आ गए, कुछ और पिलाने के लिए थोड़ी बोला है, कॉफी बोली है, राजू भाई पीछे छुप गए, मोनू के पीछे छुप गए। लो भाई चीयर्स टू द विनर्स, ये विनर्स भाई, भाई। सबसे बड़े लूजर है जो आए भी नहीं, ये तो कम लूजर है, शॉर्टकट आ रहे हैं गाड़ियों में आ रहे हैं, सबसे बड़े लूजर तो अनिल भाई आए ही नहीं, इस तरह से निकले बाहर, मौसम देखकर। अरे इधर महफिल अलग चल रही है, ये दे रहा हूं, चलो भैया थैंक यू फॉर द कॉफी, थैंक यू। तो ये है दोस्तों, आपने देखा होगा पहले भी हम आ चुके हैं कैफे 18 यहाँ पे सेक्टर 18, ये सामने है GIT एंड सामने है DLF उधर कहीं, तो यहाँ पे आपने पहले भी देखो पहले भी आ चुके हैं हम, बहुत ही बढ़िया कॉफ़ी रिजनेबल प्राइस पे, अमेजिंग टेस्ट, और देखिए सुबह सुबह यहाँ पे लोग भीड़ लगी हुई है कॉफ़ी पीने के लिए, और यहाँ पे सामने ही परांठे वाला भी है, तो सुबह सुबह सारे कॉफ़ी पीने थोड़ा सा स्नैक्स करने जिससे अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने आ जाते हैं लोग यहाँ पर जिनकी रात की शिफ्ट रहती है। सो अब यहाँ से हमारा हो गया, हमारा टास्क ख़त्म, तो आप सुबह सुबह अगर खाना चाहें पीना चाहें स्नैक्स ये कहीं नहीं मिल रहा, कैफे 18 यहाँ पे आ जाओ, आपको परांठे वरांठे कॉफ़ी ऑफी सब मिल जाएगा, यहाँ आ जाओ सुबह सुबह या रात को। शाबाश शाबाश भाई, मेरे को लगा था लाना ही लाना है, अब तो वापस ले जाना भी पड़ रहा है टायर। भाइयों बहनों गाइस और गाइस नहीं हो, अब आ गए एकदम प्रोफेसर मुखिया जी, मुखिया जी
मुखिया जी अब क्या फायदा, आप तो कपड़े उतर गए थे वहाँ पे, फिर उठा दो वहाँ पे दुनिया भर की डांट सुन ली, अब उठाना पड़ा इनको। मुखिया जी सांस ले लो, ले लो ले लो सांस, लंबी लंबी सांस लो, लंबी लंबी फिर बोलना। हाँ एक किलोमीटर हाँ लंबा भागे। चलिए दोस्तों अपना टायर रन का टास्क आप सक्सेसफुली ख़त्म होता है। अभी पीटीएम में भी जाना है, मतलब 8 बजे हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है, मतलब पूरा टायर लिया है, मतलब 6:20 पे, मतलब 1 घंटा और 40 मिनट टायर आना जाना लगभग हुआ ये 7.5 किलोमीटर। और उसमें मेरे ख्याल से आपने देखा ही है, 6-7 जने गए थे लेके और 6-7 जने आए हैं। सो 1 घंटा 40 मिनट में 7.5 किलोमीटर टायर रन हमारा सक्सेसफुल होते हुए, और स्ट्रेचिंग भी हो गई है और पैर भी दर्द कर रहे हैं। आए दोस्तों, आई होप ये व्लॉग ज़्यादा लंबा बन गया होगा, तो अभी इसको मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और फिर कंटिन्यू करूँगा घर जाके। सो चलिए फिर दूसरे व्लॉग में मिलते हैं जल्दी, घर निकलते हैं। अबे तो पिज्जा पहले साइड में बांध ले यार, हारना नहीं है, पता चले स्टेडियम वाले पहुंच गए और अंदर ही।